मॉर्निंग। सो अभी हमारा बन रहा है ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में आज बनी हमारी इडली, क्योंकि आज है सैटरडे। सो सारा लेट हो रहा है और सो के भी लेट उठे हुए हैं। मम्मी यहाँ पे मूंगफली का जो है ना छिलका निकाल रही हैं, ये देखो, क्योंकि इडली के साथ दाल चावल वाली इडली है, उसके साथ हम लोग बनाएंगे मूंगफली की चटनी। सांभर नहीं बनाएंगे क्योंकि सांभर के लिए बाहर जाना पड़ेगा और सब्जियां लेने के लिए, और बारिश का मौसम हो रहा है तो सब्जी वगैरह नहीं आ पाएंगी क्योंकि मिलेंगी भी नहीं। सो सांभर नहीं बनेगा, चटनी के साथ ही हम इडली खाएंगे मूंगफली की चटनी के साथ। मम्मी और मैं ही उठ गए हैं, बाकी तो सब लोग, आज है सैटरडे तो सब लोग सोने में लगे हुए हैं। रुद्रांश को दिखाती हूँ रुद्रांश क्या कर रहा है। और बारिश काफ़ी हो रही है, काफ़ी हो रही है, मतलब 3 दिन से तो कंटिन्यूसली हो रही है। आप नानू को उठाने आए थे, खुद ही सो गए। उठो, बोल रहा था सुबह उठाना नहीं, मेरी छुट्टी है। अब सुबह हो गई, 9 बज गया है। बारिश हो रही है ना 3 दिन से ना, कपड़े वगैरह भी नहीं सूख रहे हैं। इसकी इडली बन गई है ये वाले सांचे की ना, तो इसमें अभी मैं थोड़ा सा बैटर डाल दूंगी तो दूसरा भी निकल आएगा, तो इसको पहले मैं निकालूंगी। सब लोग सोके उठ गए थे तो मैंने एक तरफ चाय रख दी एंड दूसरी तरफ मेरी इडलियां बन रही है, तो ये वाला सांचा बन के तैयार हो गया था, तो मैंने सोचा इसको निकाल लेती हूँ, दूसरा वाला फिर मैं बनने के लिए रख दूंगी। और साथ में मम्मी भी किचन में ही है मेरे, क्योंकि वो भी ना बोर होती रहती है, मेरे से हमेशा बोलती रहती है मुझे कुछ काम दे दे जिससे मेरा भी टाइम पास हो जाए, तो थोड़ा बहुत जो रहता है मम्मी को दे देती हूँ, बाकी मम्मी को बोलती हूँ मम्मी आप बैठो मैं कर लूंगी। तो यहाँ पे रुद्रांश की एक्टिविटी चल रही है कैमरे को देख के। मैं बना रही हूँ मूंगफली की चटनी, और उसके लिए मैंने अदरक, लाल मिर्च और 3 हरी वाली मिर्ची ली हुई है, और इसके बाद इसको जार में डाल दूंगी। और चटनी ना मैं थोड़ी तीखी सी ही बनाऊंगी, और उसके बाद ये मूंगफली दाना डाल दूंगी, थोड़ा सा नमक डाल के इसको पीस लूंगी, थोड़ा सा पानी डाल के मैंने लिक्विड सी चटनी बना ली है। और ये सबकी मैं अभी प्लेट लगाऊंगी, इडलियां बन गई हैं, थोड़ा सा लास्ट वाला जो है ना बैटर थोड़ा सा और बचाता तो मैंने रख दिया है बनने के लिए। ये रुद्रांश के नानू नानी एंड पापा की प्लेट है। सो अभी सुबह सो के उठाया है, बस उसने दूध पिया है, और उसके बाद देखो नानू नानी को उसने काम पर लगा लिया है, नानू मेरे साथ आप लूडो खेलो। सो तीनों लोग लूडो खेले हैं, रुद्रांश के पापा न्यूज़ सुन रहे थे टीवी में। सो अभी यहाँ पर मैं सबके लिए इडली सर्व करूँगी। धरती पे पैर न रखती जा कहती हूँ मम्मी गंदा होगा, मम्मी पाँव से गंदा होगा धोवा दो, हल्के की ये नहीं मुझे, मैं कहा कुछ ना वो बने गए चल जरूर भी ला जाती बना ने बाकी माँ गोड़े से माटी लगी हो बस नहीं होते ना। आपको पता है नानी क्या बोले, मम्मा मम्मा की तारीफ कर रही है क्या? कि मम्मा उदम नहीं करती थी छोटे में, बिल्कुल उदम नहीं करती, सही कह रही है, ऐसे हम काम करा तो ऐसी बैठी रहती, बिल्कुल उदम नहीं करती, बिल्कुल परेशान नहीं करी, तो मैं मोड़ी जितने परेशान करा है। मैं आपको परेशान करूँगा तो आपको अच्छा लगेगा। मैं मोड़ी प्रियंका बिल्कुल परेशान ना करती, ना मैं मनीष करा तो सोना करती परेशान ना केवल क्यों मम्मी मम्मी सारे बच्चों की वो खोल रही है पोल, बचपन में कौन कैसा था। मम्मी मेरी तारीफ करें, मैं बचपन में ऐसी थी मतलब जमीन पे पैर भी नहीं रखती थी कि मेरे पैर गंदे हो जाएंगे। अभी हमारे घर में पता है क्या चल रहा है, नाश्ता करने के बाद बैठे हुए हैं। तो ये देखो पढ़ाई चल रही है, मम्मी ने लिखा है यहाँ पे अनार आम, पूरा 11 से 11 तक लिखा हुआ है। क्या कर रहे हैं देखो, छोटो बड़ो छोटी बड़ी छोटा बड़ा ये आई ओ हम आ देखिए आप बाबू हां नानी आप पढ़ो पूरा यहां तक पूरे तरह के सामने, अरे पढ़ो ना क ख घ घ अ उ छ छ झ झ ज ज पढ़ा गलत हो गया, का टमाटर ये था यहाँ, ये टा टमाटर, टा टमाटर ढक्कन टा टमाटर ढक्कन पहले ऐसे कहते तलवा था थम दू धनुष नल प
पतंग फल भगत क्री भा बालू माँ मछली आया ग्रारत लालड्डू बावक सा संख सा षटकोण सा सब्जी हा छत्रज्ञा ऐसे पढ़ते हैं। ये पूरा ये मम्मी ने लिखा हुआ है स्लेट पे, ये मेरी मम्मी की राइटिंग है, ऐसे लिखा हुआ है। मम्मी मेरी मम्मी पांचवी क्लास तक पढ़ी हुई है ना, पांच तक तो आप कैसे नहीं पढ़ी, कैसे नहीं जाना। मम्मी ये लिख लेती हैं, अनाराम लिख लेती हैं पूरा, वन टू थ्री लिख लेती हैं 100 तक, और मम्मी खड़ियाँ लिख लेती थी काका की की वो वाला। तीन साल तक गई थी तो दो फराग मिली थी पहले, फराग ड्रेस 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 मिली थी पहले, फराग में लगती तो वो ड्रेस बुलाती है चड्डी में लगती, फिर कहा मिला लगती स्काउट बिस्किट मिलने लगी थी, दो साल वो मिली एक साल स्काउट बिस्किट मिली। तो मम्मी इतनी क्लास तक पढ़ी हुई है, मम्मी को फिर भी थोड़ा बहुत आता है। नाम डाल ले प्लस। नानी आप लिखो। और इसको कुछ नहीं आता है, ये भी जा रहा है अभी दो साल से, इसको कुछ नहीं आता है। नानी अब लिखो। बताओ क्या लिखना है। आपको आता है कुछ? ठीक है, आपको लिखना आता है, जाओ ला जल लिख के दिखाओ मम्मा को। पहले एबीसीडी दिखाती पहले तो खड़ियाँ लिखाते और खड़ियाँ की मात्रा लिखाते। हाँ मात्रा चलती है, मात्रा चलती है। अब नहीं चल रहा मात्रा, अब नहीं चलती है। ये देखो इसने जावला जल लिखा है, एक ना एक दूना दो देखो तीन चौके चार चौको चार पंचे सेवन पंचे पाँच श्याम छ सत्य सात अठे आठ अब क्या लिखना है बैट बैट क्या हो गया। जस्ट अभी मैंने घर का सारा काम खत्म किया है क्योंकि मेड नहीं आ रही है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर मैंने सोचा मम्मी है अभी, मम्मी ने सुबह नहा लिया था, पूजा वगैरह कर ली थी, तो मैंने आराम से अपनी क्लीनिंग वगैरह निपटा ली। सो घर का सारा काम खत्म हो गया है, अभी मैं जाऊंगी सावर लेने के लिए। मैंने सोचा इससे पहले इस वीडियो का मैं एंड कर देती क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो गया है, और कल फिर कहीं निकलना है। आज है छुट्टी वाला दिन तो दिन भर कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा, रुद्रांश है घर में, नानू नानी है, तो दिन भर उसकी मस्ती चलेगी और पूरा दिन आज ऐसे ही निकलने वाला है। थोड़ा सा मैं भी टाइम स्पेंड कर लूँगी मम्मी पापा के साथ में। और आप सबको कैसे लग रहे हैं अभी के ब्लॉग्स मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है अगर आप लोगों को ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है एंड थोड़ा सा भी पसंद आता है ना ब्लॉग तो लाइक जरूर करते जाना, लाइक से थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं होता है लाइक। कल मैंने रात में एक वीडियो एडिट किया हुआ था, उसको मैं अपलोड पर लगाती हूँ साथ, और आज के ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना है, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए एंड अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। तब तक के लिए bye-bye. Feeling endless, sitting up, I'm breathless. Anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open. I hate being